जैसा कि हमने एनवेलप पे काम करना है, इसलिए एनवेलप की टूल बार खोल लेते हैं। एनवेलप की टूल बार खोल ली हमने। अब इस टेक्स्ट के ऊपर एनवेलप यहाँ से अप्लाई करते हैं। यहाँ से आप एनवेलप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम एनवेलप्स के स्टाइल्स हैं जिनका प्रीव्यू हमें इस बॉक्स में दिखाई देगा। इनमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने फिलहाल आर्क सेलेक्ट किया है जो हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे इस बटन से अप्लाई करते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर जो चीज़ सेलेक्ट होगी उसी के ऊपर अप्लाई होगा। ये देखें, अप्लाई हो गया। अब इसमें आप मजीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके पॉइंट्स को पकड़ के, और इन हैंडल्स की मदद से आप मजीद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आप एक एनवेलप बना के सेव भी कर सकते हैं, जैसा इसको बनाने के बाद करते हैं हम सेव। अभी इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। नहीं, ऊपर उधर नीचे। इसे अगर एनवेलप के लिए उसमें सेव करना हो, न्यू एनवेलप, इसका नाम पाकिस्तानी रख देते हैं टैक्स की मुनासिबत से। एक और टैक्स लिखा, अब इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। इसका पहले साइज बढ़ा लेते हैं। यहीं पे था, कहाँ गया? ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, सेम एनवेलप उसकी उम्र अप्लाई हुआ। अब एक और टेक्स्ट लिखा, आप यहाँ से पेस्ट करेंगे तो भी एनवेलप पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये रिलीज हो गया, यानी कि उसने उसको पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। और रिमूव करने से सिर्फ एनवेलप रिमूव होगा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इस पर भी एनवेलप अप्लाई करके देखते हैं। इस पर ही एनवेलप अप्लाई किया, ये रिलीज एनवेलप, सिर्फ एनवेलप रिलीज होगा। और ये रिमूव एनवेलप, इसका आप मैच के साथ भी देख सकते हैं कि किससे एक्ट कर रहा है।